भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज पल्लेकेले में खेला गया। भारत जहां ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरा था, वहीं श्रीलंका इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहता था। श्रीलंका के स्टैंडिंग कैप्टन चमारा कपुगेदरा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की शुरुआत बहुत खराब रही और उसने अपने 2 विकेट सिर्फ 28 रन पर ही गंवा दिए। इसके बाद चंदीमल और थिरिमाने की जोड़ी ने टीम को 100 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। 100 रन पर पहुंचते ही श्रीलंका का तीसरा विकेट भी गिर गया। इसके थोड़ी ही देर बाद एंजिलो मैथ्यूज भी 11 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। श्रीलंका ने जैसे तैसे 38वें ओवर में 150 रन पूरे किए। श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका 40वें ओवर में लगा, जब लाहिरु थिरिमान्ने बुमराह का शिकार बन गए। इस तरह 159 रन पर श्रीलंका ने अपने 5 कीमती विकेट गंवा दिए। इसके बाद मिलिंदा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी छू नहीं सका और पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 217 रन ही बना सकी। श्रीलंका की ओर से अर्धशतक लगाने वाले अकेले खिलाड़ी लाहिरु थे, जिन्होंने 105 गेंदों का सामना करके 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 80 रन बनाए। इंडिया के सबसे कामयाब बॉलर जसप्रीत बुमराह रहे। बुमराह ने 10 ओवर के अपने स्पेल में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। 217 रनों के मामूली स्कोर का पीछा करने उतरी इंडियन क्रिकेट टीम से ये उम्मीद थी कि वो इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम ने 9 रन के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट खो दिया। आउट होने वाले बल्लेबाज थे शिखर धवन, जिन्हें मलिंगा ने बोल्ड कर दिया। इंडियन टीम के स्कोर बोर्ड में अभी 10 रन ही जुड़े थे कि 19 रन पर इंडिया ने दूसरा विकेट भी गंवा दिया। कैप्टन विराट कोहली सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत अभी इन 2 शुरुआती झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि पिछले मैच के हीरो अकेला धनंजय ने एक बार फिर इंडियन टीम पर कहर बरपा कर दिया। उन्होंने लोकेश राहुल और केदार जाधव को पवेलियन की राह दिखाई। इंडियन टीम 61 रनों पर अपने 4 विकेट खोकर मुश्किल में फंस गई। इसके बाद बैटिंग करने आए इंडियन क्रिकेट टीम के ओल्ड वाइन और बूढ़े शेर महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने एक छोर पर मजबूती से डटे रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के लिए अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल किए, मगर रोहित शर्मा और धोनी ने उनके सारे वार बेकार कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 157 रन जोड़कर इंडिया को जीत दिला दी। रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। 124 रनों की अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर का एक और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। धोनी ने 67 रनों की अपनी इस पारी में 1 छक्के के साथ 4 चौके लगाए। इस जीत के साथ ही इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज को 3-0 की बढ़त बनाकर अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि इंडिया जब जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया, तब श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस से नाराज क्रिकेट फैंस ने फील्ड पर बॉटल फेंकनी शुरू कर दी, जिससे मैच कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। मैच दोबारा शुरू हुआ और इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 218 रन बनाकर ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। जसप्रीत बुमराह को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के आइकन को जरूर दबाएं।